झारखंड के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि महज 76 दिनों में राज्य का कायाकल्प होगा और राज्य में विकास योजनाओं की गति को एक नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में विकास का पहिया 160 के स्पीड से चलेगा। मंत्री सत्यानंद भोक्ता का कहना है कि आगामी 2 अप्रैल से विकास की योजनाओं का रेला चलेगा। उन्होंने राज्य के पूर्ववर्ती सरकार पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों से विकास कार्य पूरी तरह से ठप था, लेकिन अब चतरा सहित पूरे राज्य में सभी सड़कों का मरम्मत, सभी पंचायतों में पेयजल की सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण विकास कार्य प्रभावित हुआ था, लेकिन अब कोरोना बीमारी लगभग समाप्त हो चुका है, इसलिए राज्य को विकास की गति देने के लिए खाका तैयार कर लिया गया है। वे आज चतरा जिला के प्रतापपुर प्रखंड मुख्यालय में आयोजित राशन कार्ड वितरण समारोह में ये बातें कही है। इस मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने गरीबों के बीच राशन कार्ड का भी वितरण किया। उन्होंने बताया कि चतरा जिले में 47,000 गरीबों को राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य है, जबकि आज करीब 1,313 राशन कार्ड का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के प्रत्येक गरीबों का युद्ध स्तर पर राशन कार्ड बनाया जा रहा है। इसके साथ ही सभी गरीब परिवारों को अनाज के साथ साथ चीनी, नमक और किरोसिन तेल का भी वितरण किया जा रहा है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि अब प्रत्येक पंचायत में 10-10 नए चापाकल बनेंगे, जिससे गाँव में पीने के पानी का संकट दूर हो जाएगा। मंत्री सत्यानंद भोक्ता प्रतापपुर के बाद कुंदा प्रखंड मुख्यालय पहुँचे और महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित महादेव मठ में पूजा अर्चना भी की। गौरतलब है कि कुंदा का महादेव मठ अत्यंत प्राचीन मठ है और इस स्थल पर वर्षों से मेला लगता है। इस दौरान मंत्री ने स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। हम नहीं कहेंगे 4 साल का अभी समय बहुत है, लेकिन इतना कहेंगे कि अप्रैल के 30 दिन और मई के 31 दिन 61 दिन और 15 जून 76 दिन में जितना काम 10 वर्षों में नहीं हुआ और 76 दिन बाद होगा कि नहीं अभी गारंटी नहीं है, लेकिन 76 दिन के अंदर हम विकास के बिहार पर आने जा रहे हैं। हर गांव में जितना गली है, नली है, पुल है, पुलिया है, एक भी काम खोजने से नहीं मिलेगा। 160 की स्पीड में मेरा गाड़ी चलेगी, बस 23 जैसी समाप्त होगा सब, और जैसे ही होली के रंग हम लोग खेलने के बाद 1 तारीख से हम लोग फुल अपील मनाएंगे और 2 तारीख से हम लोग विकास की ओर बढ़ेंगे। हर ब्लॉक में, हर जिला परिषद में, आरईओ में, विभिन्न विभागों में एस्टिमेट बन रहा है, कहीं मॉडल जाल चालू हो रहा है, कहीं बैंक में भीड़ है, कहीं मार्शल रोड बन रहा है, तमाम काम तेजी गति से होगा, क्योंकि अब कोरोना करके 1 साल बीत गया। अब हम लोग कोरोना को न करते रहेंगे तो विकास से पीछे रह जाएंगे और हमारा काम और पीछे चला जाएगा, इसलिए अब हम विकास की ओर हैं और 1 सप्ताह 10 दिन इंतजार करना है, उसके बाद मेरा गाड़ी स्पीड से चलेगी। और चतरा में जितना सड़क खराब है, संघरी घाटी का सड़क पूरा खराब था, अभी मरम्मती कराए और उसको बहुत जल्दी पिच करने जा रहे हैं। गुंडा का सड़क हम बनाए थे, खराब है, कोई मरम्मत नहीं किया, इसको अभी शिलान्यास करेंगे, ये भी काम तेजी से 1 सप्ताह के अंदर शुरू करेगा। पुल जो है टूट गया पूरा कठोन का पुल, कोई भी मरम्मत जिम्मेदार नहीं किया, शिलान्यास के काम शुरू हो गया। तो मेरे विधानसभा में जितना सड़क, जितना पुल, जितना स्कूल जो जर्जर है, जो टूटा फूटा है, सभी को मरम्मत करेंगे, जीर्णोद्धार करेंगे और जितना हार्ड सरफेस ग्रेड 1 ग्रेड 2 मिट्टी मोरम जो 10 वर्षों में नहीं हुआ, वो आपको 76 दिन में दिखाई पड़ेगा कि काम कैसे हो रहा है, काम कैसे किया जाता है। अपने परिवार में हर दिन को स्पेशल बनाने के होंगे सबके अपने मौके। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी और अपने ओकेजन को बनाएं यादगार और खास, क्योंकि अपने स्वाद और शुद्धता के लिए पिज्जा के दीवानों में अपनी धाक रखने वाला पिज्जा की दुनिया का सुप्रसिद्ध नाम लजीज पिज्जा खुल गया अब आपके शहर रामगढ़ में। रामगढ़ कॉलेज गेट के समीप खुले लजीज पिज्जा में वेज, नॉन वेज, क्लासिक एंड एक्जोटिक पिज्जा के अनेकों वैरायटी के साथ आइसक्रीम, कॉफी, स्नैक्स, सैंडविच, बर्गर, ग्रिल सैंडविच घर बैठे बस एक कॉल पर पाएं।
होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 6202893511, दूसरा नंबर 06553296016। न्यूजलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है